निकलता है, कितने जल्दी समय जाता है। अभी अभी 8 बज रहे थे, 9 बज गए आपकी घड़ी में क्या, अभी 9:30 बज जाएंगे, 10 बज जाएंगे, जीवन का कुछ पता ही नहीं चलता। कल रविवार था, सोमवार है, मंगलवार आ जाएगा, जीवन चला जाएगा, क्योंकि पल जीवन नष्ट हो रहा है, ध्यान पता ही नहीं चलता है सब। सोचना है कितने प्रतिशत समय हम अपने आप में लगाते हैं और कितने प्रतिशत समय दूसरों में बर्बाद करते हैं। यदि देखा जाए आदमी अपनी समस्याओं से निपटने का प्रयास करे, कितनी समस्याएं होगी तुम्हारी अपने जीवन में। मैं सोचता हूं कि ज्यादा समस्याएं आदमी के पास नहीं है, 1-2 समस्याएं होती हैं, 4-8-10 समस्याएं होंगी। हकीकत देखा जाए तो समस्या केवल अपनी नहीं है। जब आदमी दूसरों की समस्या को अपनी समस्या बना लेता है तो सिवा समय की बर्बादी फिर उसके पास कुछ हाथ नहीं लगा करता है। दूसरों की समस्या को अपनी समस्या बनाते हो। आदमी मंदिर भी जाता है तो अपने लिए नहीं जाता, वह दूसरों के लिए जाता है। एक आदमी पूजा कर रहा है और पूजा करते समय यदि उस आदमी ने अक्षत की जगह पुष्प चढ़ा दिया, अब समस्या उसकी है लेकिन देखने वाला उसे अपनी समस्या बना लेता है। वह कहता है क्यों रे, तुझे पूजा करना नहीं आता है, पुष्प की जगह दीप चढ़ाता है, दीप की जगह चावल चढ़ाता है। अरे मेरे भाई, वह तो गलती कर ही रहा है लेकिन उसकी गलती को देखकर शायद हमने भी अपने जीवन में गलतियां शुरू कर दी हैं। दूसरों की समस्या को अपनी समस्या क्यों बनाते हो? फलाना आदमी मंदिर नहीं जाता है, वो धर्म नहीं करता है। अरे मेरे भाई, दुनिया के चक्कर में मत पड़िए, अपनी जिंदगी को सार्थक करने का प्रयास। सारा वक्त दूसरों में जाता है। अमुक आदमी ऐसा है, वो महिला ऐसी है, उसका परिवार ऐसा चलता है, उसका घर ऐसा चलता है, तो महिलाओं का तो पूछो मत, जय हो पंचम काल की। ये तो मंदिर में शास्त्र पुराण खोल के भी, शास्त्र पुराण कम पढ़ेगी, बुढ़िया पुराण ज्यादा पढ़ेगी। फलाने कहा ये हो रहा, उसकी बहू ऐसी है, उसका बेटा वैसा है, उसके घर में ये हो रहा, उसकी लड़की भाग गई, अरे तेरी लड़की की शादी नहीं हो रही, इतनी बड़ी हो गई। अरे हो गई तो तेरे पेट में काहे को दर्द हो रहा मेरे भाई, उसकी लड़की वो जाने, उसका बाप जाने, उसका परिवार जाने। लेकिन होता क्या है, यदि ससुराल से पीहर आ गई लड़की 1 महीने ना जाए तो घर वालों का पेट नहीं दुखता, पड़ोसियों का पेट ज्यादा दुखता। क्यों दुनिया भर के प्रपंचों में जीवन लगाते हो? अपना जीवन देखो, समय दूसरों में बर्बाद मत करिए, अपनी जिंदगी देखिए। हम क्या पूरा जीवन बर्बाद करते हैं? दूसरे का स्वर्ग नरक तुम्हें ज्यादा दिखता है, अपने स्वर्ग नरक की बर्बाद नहीं। कोई आदमी गलत काम करे तो फौरन मुंह से निकलता है नरक जाएगा नरक। अरे भाई नरक काहे को जाएगा? एक आदमी ने मेरे चरणों में फूल चढ़ा दिया, एक बैठा था, अरे बोले नरक जाएगी ये महिला, नरक जाएगी ये आदमी, बिल्कुल नरक से ना बचेगा। अरे मेरे का पंडित कितना हैरान काहे को हो रहा है, बोले नरक जाएगी महाराज। मेरे का क्यों नरक जाएगी? बोले आपके चरणों में फूल रख दिया, इसको नरक मिलेगा, एक इंद्री जीव की हत्या कर दी इसने। मेरे का मैंने किसी आगम में नहीं पढ़ा है कि चरणों में फूल रखे तो कोई नरक जाएगा, लेकिन पंडित एक बात ध्यान रख, ये आदमी नरक जाए या ना जाए, तू जरूर नरक में जाएगा। बोले मैं काहे को जाऊंगा? मैंने शास्त्रों में पढ़ा नहीं है कि फूल चढ़ाने वाला नरक जाए, लेकिन ये जरूर पढ़ा है कि गुस्सा करने वाला जरूर नरक जाता है, और उसने फूल चढ़ाया, तूने गुस्सा कर ली, अब याद रख पंडित कि तेरा नरक जाना। पर दूसरे को कितनी जल्दी नरक भेज देते हो, ऐसा लगता है यमराज के एजेंट तुम ही बन करके आए हो। किसे नरक भेजना, किसे स्वर्ग भेजना? बाहरे आदमी अपने पंडित खाए ककड़ी और दूसरों को दे, ऐसे कोई जीवन चलता है क्या? आप सोचिए, आप विचार करिए, दूसरों के बारे में नरक सोचने वाला, एक बात ध्यान रखना, किसी के नरक के द्वार खोलोगे उसे नरक मिले या ना मिले, मेरा जैन आगम कहता है कि जो ऐसी सोच रखता है उसे नरक सबसे पहले मिला करता है। अरे स्वर्ग तो उसे मिलता है जो दूसरों के लिए स्वर्गों की कामना किया करता है। जानकर किसी की गलती पे किसी को नरक भेज देना,
अपने नरक का द्वार खोलना। एक बात ध्यान रखना, किसी का मुंह काला करने से पहले आदमी को अपने हाथ काले करना पड़ते हैं, और किसी के घर में आग लगाने से पहले आग अपने हाथ में उठाना पड़ती है, और किसी के लिए गड्ढा खोदोगे तो गड्ढे में पहले तुमको उतरना पड़ता है, उसके बाद कोई दूसरा गड्ढे में उतरता है। सोचना है ना, दूसरों का अहित मत सोचिए, अच्छी भावनाएं रखिए, जाकर के घर में आकलन करना कि सुबह से शाम में हम दूसरों के प्रति कितने अच्छे विचार रखते हैं। कोई नहीं रखता किसी के प्रति अच्छा विचार, कहता जरूर है कि मैं तो सबसे अच्छा विचार रखता हूं, अंदर ही अंदर तो आग सुलगती रहती है, पड़ोसी की तरक्की हमारी पीड़ा में कारण बन जाया करती है, कोई आगे बढ़ रहा है तो हमारे सीने में आग लग जाती है, सांप लोटा करता है। ध्यान रखिए, विचार करना है, मानव की प्रवृत्ति कैसे हो सकती है जीवन सार्थक। ये महाराज नरक जाएंगे, ये माता जी नरक जाएगी, धन तेरे की कभी दिमाग में अच्छा भी बोल लिया करो, कभी इस जुबान से मीठा भी बोल लिया करो, कभी अच्छे विचार भी रख लिया करो, 24 घंटे गलत विचार, वक्त की बर्बादी, समय की बर्बादी। बुंदेलखंड में कहा जाता है कौए के कोसने से जानवर नहीं मना करता है, ध्यान रखना। अरे जानवर की मौत हो या ना हो, लेकिन कौआ यदि किसी को कोसता है तो अपने आने वाले भवों को बिगाड़ लिया करता है, अपनी जिंदगी को बर्बाद कर लिया कर। क्यों अशुभ विचार बनाना अपने जीवन, दूसरों के स्वर्ग नरक की चिंता। एक आदमी ने सोचा कि पूरी धरती पर चमड़ा बिछा दिया जाए, अब इतना भी ज्यादा पर कल्याण मत किया करो। बोले पूरी धरती पे चमड़ा बिछा दो। बोले क्यों? बोले आदमी चलते हैं उन्हें कांटा ना लग जाए, इतना चमड़ा कहां से लाएगा और इतनी चमड़ा कहां बिछाएगा पूरी धरती में। वो आदमी लग गया मेहनत करने के लिए, अरे पूरी जिंदगी कम पड़ जाएगी लेकिन धरती बहुत बड़ी हुआ करती है। मैंने कहा पागल, दूसरों के कांटों की चिंता मत कर, अरे अपने पैर में चप्पल पहन और कांटों से तू अपने आप बच जाएगा। सारी दुनिया के बारे में इतना बोझ उठाने की जरूरत नहीं। हर आदमी अपने पैरों को सुधारने का प्रयास करे, अपने पैरों को संभालने का प्रयास करे। एक आदमी मेरे पास आए, बोले महाराज आप नग्न रहते हैं, समाज के बीच शोभा नहीं देता है, थोड़े कपड़े अपने पहना करो। अरे ज्यादा नहीं पहनो तो एक लंगोट तो पहन लिया करो। महाराज 21वीं सदी का ये देश है, थोड़ा तो। मैंने कहा भाई मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। एक पत्रकार ने मुझसे पूछा कि आप नग्न रहते हैं और आपके सामने एक से एक सुंदरी बेटियां कन्याएं आती हैं, एक से एक रूप लावण्य आता है, बताइए उन्हें देख के आपको कैसा लगता है। प्रश्न पूछ सकते हैं, स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक तो कोई प्रश्न पूछता है तो मुझे बुरा नहीं लगता है। बोले आप बताइए जब सुंदर सुंदर महिलाएं आपके कक्ष में आती हैं तो बताओ उन्हें देख के आपको कैसा लगता है। मैंने कहा मुझे कैसा लगता है? मैंने कहा कभी घर जाना और देखना तेरे 2 साल का बेटा, उसे अपनी नंगा घूमता है वो घर में, उसे अपनी माँ को देख के जैसा लगता है वैसा ही मुझे महिलाओं को देख कर। 2 साल के बच्चे में भी काम भाव देखता है, निर्विकार वासना है उसका जीवन हुआ करता है। मैंने कहा बोल, जब तू छोटा था 2 साल का था 1 साल का था, माँ की गोद में जब नंगा बैठता था, बोल तुझे कैसा लगता था? उसने कहा माँ तो माँ होती है। मैंने कहा वो लोग संसारी होते हैं जो एक माँ में माँ देखते हैं, और वो सन्यासी होते हैं जो हर महिला में माँ और बहन के दर्शन किए। सोच उसने कहा कि फिर भी थोड़ा कपड़ा पहन लो। ध्यान रखिए, मैंने कहा एक परंपरा है, एक अपना पंथ है, एक अपना संप्रदाय है, और जिस संप्रदाय में जो दीक्षित होता है उसे उसके अनुसार जीना पड़ता है। मैंने कहा इतना ध्यान रखिए। अरे मैंने कहा तू क्यों मेरी चिंता कर रहा है मेरे भाई, क्यों मेरे बारे में इतना सोच रहा है? अरे मुझे एक लंगोट पहनाएगा तो कम से कम 1 मीटर कपड़ा लगेगा,
अरे मैंने कहा पागल, 1 मीटर कपड़ा मेरी कमर में क्यों बांध रहा? वैसे महंगाई का जमाना है, तुझे बुरा लगता है तो 2 अंगुल की पट्टी अपनी आंख में बांध ले और मेरे बारे में ज्यादा चिंता मत कर। सोचना है आपको कितना वक्त हम दूसरों में बर्बाद करते हैं, अपने में वक्त को सार्थक नहीं करते। मान ये दिगंबर संत की साधना है। और संन्यास में तो एक वस्त्र उतारे जाते हैं और दूसरे वस्त्र पहने जाते हैं, लेकिन दिगंबर संन्यास वो संन्यास होता है इसमें उतारते जाओ उतारते जाओ उतारते जाओ, वो जब उतारने को कुछ ना बचे, अरे तन के कपड़े ही नहीं मन से वासना भी जब उतर जाती है तब दिगंबर संत दुनिया के बीच में खड़ा हुआ करता है, तब ये भेष उसके जीवन में आता है। एक बात ध्यान रखो कि जैन संत तन के कपड़े ही नहीं फेंकता है, अरे तन के कपड़े उतारने से पहले मन को नंगा करना पड़ता है और वासना के कपड़ों को उतार करके फेंकना। बिना वासना के कपड़े उतारे कोई तन के वस्त्रों को उतार के नहीं फेंक सकता है, ध्यान रखिए।